नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मौसमी। मौसमीज़ किचन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं आज एक नई रेसिपी लेकर चली आई हूँ। मैं बनाऊँगी सूजी मैंगो केक। तो मैंगो के टाइम में तो हर तरह का रेसिपी बनाकर हम लोग खाते ही हैं, तो इस तरह से सूजी मैंगो केक आप ज़रूर घर पर बनाकर खाएं। आशा करती हूँ आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी और ये बहुत आसानी से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ एक बड़े आम को इस तरह से काट कर ले ली हूँ और आम मीठा होना चाहिए। आधा कप दूध, आधा कप चीनी और आधा कप तेल ले ली हूँ। आप लोग चाहे तो घी या बटर से भी बना सकते हैं। और एक कप सूजी को लेकर मैं मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पाउडर बना ले ली हूँ और थोड़ा टूटी फूटी ले ली हूँ और एक चम्मच बेकिंग पाउडर। तो पहले मैं मिक्सर ग्राइंडर में आम और चीनी को डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। फिर मैं एक बाउल में पहले सूजी को ले लेंगे और सूजी को डालने के बाद इसमें मैं आम और चीनी का जो बैटर बनाकर रखी थी उसे डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसमें तेल डाल देंगे आधा कप और तेल को भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर दूध डाल देंगे। इसमें मैं आज वेनिला एसेंस नहीं डालूँगी क्योंकि मैंगो का जो एक खुशबू है वो चला जाता है, इसीलिए मैं वेनिला एसेंस नहीं डालूँगी। तो देखिए सबको अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसे मैं साइड में रख दूँगी 30 मिनट के लिए। ढककर रख देंगे ताकि सूजी फूल जाए। फिर मैं इस केक टिन में मैं तेल लगा कर रखी थी और इसके बाद इसमें आटा डालकर इसको डस्ट कर ले रही हूँ। तो आप लोग चाहे तो मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं। तो देखिए 30 मिनट के बाद ये बैटर मेरा एकदम तैयार है। थोड़ा सा दूध डालना है क्योंकि बैटर मेरा थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो दूध डालकर थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो इसके बाद मैं बेकिंग पाउडर डाल देंगे, एक चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे और डालने के बाद मैं टूटी फ्रूटी इसमें डाल देंगे। तो थोड़ा टूटी फ्रूटी डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो सबको अच्छी तरह से मिला लेने के बाद जो मैं केक टिन रेडी करके रखी थी उसमें मैं ये बैटर को डाल दूँगी। तो देखिए केक टिन मेरी रेडी है। इसके बाद मैं बैटर को इसमें डालकर अच्छी तरह से टैप कर लूँगी। तो सबको अच्छी तरह से डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से टैप कर लूँगी और ऊपर से मैं कुछ टूटी फूटी डाल दूँगी सजाने के लिए। इसके बाद मैं कढ़ाई में नमक डालकर गर्म होने के लिए रख दी थी। तो इसके बाद इसमें मैं स्टैंड रखकर केक टिन को इसमें रख दूँगी और केक टिन को रखने के बाद ऊपर से मैं ढककर रख दूँगी 40 मिनट के लिए। इसके बाद मैं लौट कर आ रही हूँ। तो दोस्तों मैं 40 मिनट के बाद मैं लौट कर आ गई हूँ। तो देख लूँगी केक मेरा रेडी हो हुआ कि नहीं। तो देखिए एक छुरी डालकर मैं देख ले रही हूँ, तो छुरी एकदम साफ निकल रहा है, इसका मतलब केक रेडी है। अब इसे मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो देखिए केक मेरी एकदम ठंडा हो गई है। अब मैं इसे प्लेट में डालकर आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना सुंदर बना है ये केक। तो आप लोग भी घर पर बनाकर खाएं। तो देखिए इस तरह से प्लेट में मैं डालकर दिखा दूँगी कितना सुंदर केक बना है। देखिए तो आप लोग भी ज़रूर घर पर बनाकर खाएं। तो इसे मैं काट कर आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि कितना सॉफ्ट स्पंजी बना है। तो देखिए इस तरह से मैं चाकू से काट कर दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोग भी घर पर बनाकर खाएं। और आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं और लाइक शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मैं फिर एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी आप लोगों के पास। तो तब तक के लिए चलती हूँ। थैंक यू।